भारत पर हुए आतंकी हमलों को लेकर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इस बार निर्देशक हंसल मेहता लेकर आए हैं सीमा पार बांग्लादेश पर हुए दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की कहानी फराज। ये फिल्म साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमलों पर आधारित है। इस एक्शन फिल्म से शशि कपूर के पोते जहान कपूर डेब्यू करने जा रहे हैं, वहीं परेश रावल के बेटे आदित्य रावल भी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म की कास्ट में जूही बब्बर, आमिर अली और दानिश इकबाल भी हैं। हंसल मेहता की फिल्म है तो नया और अलग तो होगा ही। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका के होली आर्टिसन कैफे एंड बेकरी में हुए आतंकी हमले पर आधारित है। इस हमले में आतंकवादियों ने 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहानी दो इस्लामिक विचारधारा रखने वालों की है, एक मासूमों की जान बचाने वाली और दूसरी जान बचाने की सोच वाली इस्लामिक सोच है। कैफे में आतंकवादी कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं। बंधकों में फराज हुसैन यानी जहान कपूर भी है, जो निडर होकर इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाने को लेकर सवाल करता है। आतंकियों का सरगना निब्रास यानी आदित्य रावल है। आतंक के साए में निकली बंधकों की काली रात में क्या क्या हुआ, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। हाँ, एक बात जरूर कहनी होगी कि फिल्म आपको शुरू से अंत तक बंधक बनाकर जरूर रखेगी और फिल्म कुछ समय बाद आपको चौंकाएगी। फिल्म का हर किरदार काबिले तारीफ है। फिल्म से डेब्यू करने वाले जहान कपूर और आदित्य रावल ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। फराज की मां के किरदार में जूही बब्बर ने कमाल किया है। दानिश इकबाल ने पुलिस कमिश्नर के किरदार में शानदार परफॉर्म किया है। आमिर अली ने भी दमदार रोल अदा किया है। फिल्म का निर्देशन बेहतरीन है। इस एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट सच्चे आतंकी हमले की घटना पर आधारित है। इसका स्क्रीन प्ले कमाल का है। हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फराज के निर्माता भूषण कुमार, अनुभव सिन्हा, साक्षी भट्ट, साहिल सहगल और मजाहिर मंदसौर वाला है। 3 फरवरी को सिनेमा घर जाइए और देखिए हंसल साहब का नया विस्फोटक हमला। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।